छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद। हेलो, अरे फरहाद साहब, पर्सनल काम है, घर पर आना चाहते हैं। ठीक है, आप घर पर तशरीफ ले आइए जी। बहुत बेहतर, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, ये फरहाद कौन है भाई? हमारे इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं, इनकी पार्टी है। पार्टी? मम्मी जी मुझे भी जाना है पार्टी में, नागिन डांस करूंगा वहाँ पे। लड्डू, तुम मेरे बगैर नहीं जा सकते पार्टी में, मैं भी जाऊंगी। हाँ तो हम दोनों मिलकर नागिन डांस करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, चले चले। क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे उनकी सियासी पार्टी है। हाँ, जलसा करने आ रहे हैं। पता नहीं, कह तो रहे थे कोई पर्सनल काम है इसलिए घर पर मिलना है। अब मम्मी जी उनकी पार्टी का नाम क्या है? दिन दिहाड़े पार्टी। लगता है रात में पार्टी की इजाजत न मिलने पर ये नाम रखा गया है। चलें, अब आप दोनों घर की सफाई पर ध्यान दें बस। अब वो आ रहे हैं तो खुद ही साफ करके चले जाएंगे वो। ओहो गुलाम, चले उठे फौरन, सफाई करे और अच्छी तरह खींचेगा। अरे बहुत बड़े सियासतदान है वो। मम्मी जी सुसज जी झाड़ू निकालेंगे, मैं पोछा निकाल दूंगा। ओहो चलो उठो लड्डू, गुलाम उठिए, जाइए फौरन काम शुरू कीजिए। चले चले यार, उठे, तस्वीर खराब है। अबे यार, अबे भाई यार, पहले झाड़ू दे रहे थे फिर यार पोछा लगा लेना यार। चुप करके अपना काम करिए ससुर जी, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पोछे लगाने हैं, आपको झाड़ू। अबे कोई भी आ रहा हो यार, अबे नजला हम पर ऐसे गिरता है जैसे हमने बुलाया उसे। ठीक कह रहे हैं ससुर जी, हमें तो लगता है हम डबल सवारी है, कोई भी सवार हो जाता है। लड्डू पापा, मामा पूछने के काम हो गए सारे, नजर नहीं आ रहा। आप लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने थोड़ी पूछा, मामा ने पूछा है। और वैसे भी जो आ रहे हैं ना वो बहुत बड़े सियासतदान है। हाँ हाँ, बहुत बड़े सियासतदान है, इस लाउंज में आ जाएंगे पूरे में फैल के। और ना आ सके तो सामने वाला मैदान बुक कर लेते हैं। हाँ होती है सुसर जी, कब से सुन रहे हैं बहुत बड़े बहुत बड़े, इस नारियल के पौधे से भी बड़े। लड्डू तुम होश में तो, तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो? तुम आओ, तुम कमरे में आओ। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली मैं ससुर जी ने कहा था, मैं उनकी बातों में आ गया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है काम करो सही से। ठीक है करूं। तू पिटवाएगा यार, अपनी बीवी से ही पिटेगा, हमें भी बीवी से पिटवाएगा यार तू। अरे यार धीरे धीरे मेरे को, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा कौन सा दिल चाह रहा है यार। कौन हो भाई तुम? बेचारा अंधा है, चढ़ी कहाँ है तुम्हारी? हाँ भाई, सिक्योरिटी सब क्लियर है ना? कौन सा है एकमात फरहाद? फरहाद, हाँ फरहाद साहब, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? भाई तानी जी, हमारी पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए आपको उम्मीदवार नामजद किया है। कौम को रखे शाद बात फरहाद, फरहाद। लेकिन मैं कैसे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बस समझे के फैसला आ गया भाई फैसला। गुलाम लड्डू। अरे भाई गुलाम से कहे लड्डू ना मंगा भाई, चमचम मंगा ले, लड्डू से पेट खराब हो जाते मेरे। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, गुलाम मेरे शौहर हैं और लड्डू मेरा दामाद। मैं समझ गया आप। अरे मम्मी जी, आपने तीन सड़क छाप लोगों को घर पर बुलवा लिया। चलो भाई चलो, बाहर निकलो यहाँ से, हमारे खुसूसी मेहमान आने वाले। चलो 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 बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे लड्डू, यही है फरहाद साहब, ये बहुत बड़े सियासतदान है। हाँ। क्या ये बहुत बड़े सियासतदान तो नहीं, बहुत नौकीले सियासतदान जरूर है। तानी जी ये किसी बातें हो रही है? फरहाद साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या रुवते हिलाल कमेटी की दूरबीन यहाँ पहन के आ गए आप? कैसी बातें कर रहे हैं, नजर का चश्मा है। बेचारा नजर तो आपका अपना कहाँ है भाई, ये मेरी कमजोर बिनाई की ऐनक है। आपकी नजर काफी कमजोर है। जी हाँ काफी। तो फिर आपका नजरिया भी काफी कमजोर होगा। गुलाम लड्डू ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। वैसे बेगम एक बात माननी पड़ेगी, ये अपने शुरू के सियासतदान देखकर और इन्हें देखकर ये अंदाजा हो गया है कि ड्राइविंग का नजरिया इर्तका फेल हो गया है, बल्कि उल्टा हो गया है। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, फरहाद साहब तो मुझे टिकट देने आए हैं। मम्मी जी ये कौन सा टिकट होगा, जहाज का या ट्रेन का? अरे जाहिल आदमी यार, ये वो टिकट नहीं है,
पोस्ट ऑफिस का टिकट है ये। ओहो चुप करें आप। फरहाद साहब अपनी पार्टी की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन की सीट पर मुझे काउंसलर नामजद करने आए हैं। नई नस्ल का एतमाद फरहाद फरहाद। यार ये अच्छी चीज साथ लेके घूम रहे हैं आप। ये अच्छी चीज 2 घंटे के लिए मुझे दे देना, मैं कर्जदारों के घर के बाहर जाके नारे लगवा कर वापस कर दूंगा। यार हैरत की बात है, पर तुम किसी को कर्जा कैसे दे सकते हो? जब ये किसी को टिकट दे सकते हैं तो क्या मैं कर्जा नहीं दे सकता? तानी जी मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, आप बस इलेक्शन की तैयारियां करें। क्या आप वाकई मम्मी जी को इलेक्शन का टिकट दे रहे हैं? नहीं आलू पापड़ी देने आया हूं। अरे हाँ भाई आप सच्ची में कोई भले इंसान लगते हैं, मम्मी जी को काउंसलर बनने का मौका दे रहे और इस अंधे को नौकरी दी। अरे भाई ये मेरी सिक्योरिटी है। अंधी सिक्योरिटी? नहीं भाई ये देख सकता है। अरे नहीं देख सकता, आप देखे ना, नहीं देख सकता। ये मेरा घाट है या तुम्हारा? आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? भाई मैं पूछ रहा हूँ कि ये आपका घाट है या मेरा। तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तानी जी मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, ऐसा ना हो मेरे तुम्हारे के चक्कर में मैं अपनी पार्टी चेंज कर बैठूं। आप बस इलेक्शन की तैयारियां शुरू करें। ओके जोर से बेटा जोर से। अरे हाँ हाँ मिसिज राना, ले ये तो कोई मसला ही नहीं है, बस मुझे काउंसलर बन जाने दें आप, फिर देखिएगा सारे काम यूं चुटकी बजाते करवा दूंगी मैं आपके। जी जी। अरे नहीं 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 मिठाई की कोई जरूरत नहीं है, चलें अगर आपका दिल चाह रहा है तो ले आइएगा। चलें ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। मामा आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप काउंसलर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं? लो भला इसमें बताने वाली क्या बात थी है? और वैसे तो तुम समझो कि मैं जीत चुकी हूँ। अब वैसा भी नहीं, अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं। अरे हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हैं? किसी की मजाल है जो मेरे सामने खड़ा हो, और अगर कोई खड़ा हो भी गया तो भला जीत सकता है मुझसे? बेगम यहाँ फिरौन के लिए नहीं काउंसलर के इलेक्शन हो रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब जब नो गो एरियाज खत्म हो गए तो ये सवाल बेमानी हो गया है। पापा ये सब छोड़िए। अच्छा मामा आप मुझे ये बताइए कि आप काउंसलर बनके सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ ये हुई बात। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगी कि इलाके के जितने भी घरों में बेटियां हैं ना वहाँ घर दामाद रखने का रिवाज नाफिज करूँ। क्या कह रही है बेगम? हाँ ना, इससे ये होगा कि बेटियां अपने घरों में माँ बाप के सामने रहेंगी और लड़कों को रोजगार भी मिल जाएगा। क्यों? और लड़की वालों के सर पे से जहेज का बोझ भी कम हो जाएगा और लड़कों के घर वालों की माएं बहनें भी घर में सुकून से रहेंगी। अरे दूर की कौड़ी लेके आए बेगम आप, लेकिन देखा जाए तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। अरे कैसे नहीं है, लो बताओ अगर मैं शादी होके आपके घर चली जाती तो क्या होता? अरे आप खुद भी भूखे मरते और मुझे भी भूखा मार देते। यहाँ पर कम से कम दोनों सुकून से रह तो रहे हैं। हाँ मामा आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और क्या, अब आप अपने हनी और लड्डू को ही देख लें। अच्छा बेगम मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी काम से जाना है। है, है, है। आपको और जरूरी काम? कहाँ जाना है? किचन में खाना पकाने। जाइए जाइए। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मेरे दोस्त के भाई को ना पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आप थाने में फोन करके उसको रिहा करा देना। अरे लड्डू मैं अभी काउंसलर बनी थोड़ी हूँ। तो आप उनको कॉल करके कह दें मैं मुस्तकबिल की बनने वाली काउंसलर बात कर रही हूँ। लड्डू क्या हो गया, मेरी मम्मा से कैसे कैसे काम करवा रहे हो तुम? सॉरी हनी लेकिन मैंने ना पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला दी कि हमारी मम्मी जी ना काउंसलर बनने वाली है, इसलिए सब अपने मसले लेके मेरे पास आ रहे हैं। यार मम्मा से बात करो ना। क्या यार अभी मेरी मम्मा कोई काउंसलर बनी थोड़ी है, अभी तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ टिकट मिला है। अच्छा काउंसलर बनने के बाद मेरा काम करा देंगी ना? जाहिर सी बात है, बस एक बार उन्हें बनने दो फिर देखो तुम्हारे तो सारे मसले हल। ठीक है चलो ना जूस पियो। तेरा बाप तो बड़े बड़े फोन दिला रहा तेरे को। यार लड्डू बोल डड्डू। मैंने सुना है तेरी सास इस इलाके की काउंसलर है। अबे अभी बनी नहीं बनने वाली है। अबे यार मेरे घर के बाहर एक ऐसी बिजली का खंभा है। हटवा देंगे खंभा भी। नहीं यार हटवाना नहीं है, वहाँ एक लाइट लगवानी है। यार 2 दफा मेरे अब्बा अंधेरे की वजह से गटर में गिर गए। तभी तो मैं बोलूं हमारे इलाके के गटर क्यों जाम हो जाते। अबे नहीं यार वो तो फौरन निकल आते हैं। लाओ 500 रुपए। क्यों क्यों लाइट नहीं लगवानी? हाँ अबे यार ये ले। अच्छा ठीक है वो
वैसे अगर तुम कहो तो गटर का ढक्कन भी लगवा सकते हैं, उसके लिए 1000 रुपए लगेंगे। अबे वही गटर का ढक्कन बेच के ही तो पैसे दे रहा हूँ। तू भी ना यार, मेरे अजीज मोहल्लेदारो, गरीबो, भूखो, अरे मैं तुम लोगों के बहुत काम आऊंगी। हाँ मम्मा, ये आप कैसे तकरीर कर रही हैं, किसी के दिल दुखाने वाले? दिल दुखाने के लिए क्या मतलब? जाहिर सी बात है, आप गरीबों को गरीब बोलेंगी और भूखों को भूखा बोलेंगी तो वो लोग बुरा मान तो जाएंगे ना। और ये बताइए, किसने लिख के दी आपको ये तकरीर? अरे वो तुम्हारे पापा ने लिख के दी है। लो जी, हो गया काम, उनसे लिखवाया है आपने? बस मुझे तो पहले ही पता था कि गुलाम कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। गुलाम, गुलाम! जी 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 बेगम, जी बेगम। क्या हुआ, आपकी तकरीर की तैयारी हो गई? तकरीर की तैयारी हो गई? ये अपनी तकरीर ना अपने पास रखे, मैं जा रही हूँ लोगों में राशन बांटने के लिए। राशन बांटने कहाँ जा रही हैं आप? वो ही अपने विमेंस क्लब में। अरे वहाँ राशन किसको जरूरत है, वहाँ राशन की कमी किसी के पास क्या? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। फिर क्या बांटूं? कपड़े, वहाँ कपड़ों की बहुत कमी देखी गई है, कपड़े बांटने आप। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। हाँ आप आ गए, लाजमी सी बात है। आपकी मीटिंग कैसी रही? हाँ अच्छी रही, इलाके में बहुत चर्चा हो रहा है, बस अब एक आखिरी मरहला रह गया है। वो क्या? भाई आखिरी दिन है ना, तो बहुत बड़ा मजमा आएगा, वहाँ तकरीर करनी होगी। तो आप फिक्र नहीं करें बेगम, अरे ऐसी तकरीर लिख के दो, मजा आ जाएगा आपको। बस बस आपसे कुछ नहीं हो सकता, तकरीर भी मुझे फरहाद साहब ही लिखवा कर भिजवा रहे हैं। वो जिससे तकरीर लिखवाते हैं ना, क्या धुआंधार तकरीर लिखता है, वाह वाह मजा आ जाता है सुनने वालों को। जैसी आपकी मर्जी। बहुत थक गई हूं मैं। जैसी आपकी मर्जी। अपने कमरे में जाऊंगी। जी फरहाद साहब, मैं खुद आ रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सारी बात समझ गई हूँ मैं। क्यों नहीं जी, आपकी तकरीर वाला पर्चा भी मिल गया है मुझे जी। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, इलेक्शन मैं ही जीतूंगी, आप देखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मम्मी जी, आपसे मिलने के लिए बाहर कुछ लोग आए। अच्छा, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। लो बल्तानी बेगम, इलेक्शन हुआ नहीं, लोग मिलने पहले ही आ गए। अबे उरी तेरी की, ये मेरा चार गोश की तरकीब वाला पर्चा ये रह गया, अभी कोई फेंक देता, अच्छा वो बच गया। बेगम, आप मुझे बहुत याद आएंगी। गुलाम, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सरहद पे जा रही हूँ जंग लड़ने के लिए। नहीं नहीं बेगम, बात यह है कि इख्तदार में आने के बाद लोग अक्सर इख्तदार में लाने वालों को भूल जाते हैं ना। मेरी एक बात कान खोल के सुन लें आप, मेरी जीत में ना आपका कोई हिस्सा है ना होगा। मामा, आप ना बस जल्दी से काउंसलर बन जाएं, आपसे बहुत सारे काम करवाने और बहुत लोगों की उम्मीद है आपसे। हाँ अरे हाँ हनी, बस मेरी ये तकरीर खैर खैरियत से हो जाए, फिर मुझे काउंसलर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अरे एक तो फोन बहुत आ रहे हैं। हेलो जी जी, मैं तानी बेगम बोल रही हूँ। क्या ये, क्या बदतमीजी है, तमीज से बात करो। अरे जाओ, जो करना है कर लो, देख लूंगी मैं भी। बंद करो फोन। क्या हुआ, ये ऐसा कौन है जो आपको धमकियां दे रहा है? अरे मुझे तो मुखालिफ पार्टी का काउंसलर लगता है, कह रहा है कि आज की तकरीर मनसूख कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे
एक दफा फिर सोच लें बेगम। अरे सोचने की क्या जरूरत है भला मुझे, है मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ। हाँ नहीं नहीं बेगम, सोच ले से मेरी मुराद ये है कि आपके बाद इस जायदाद को क्या मैं अकेला संभालूंगा। अरे वाह, है बड़ी जल्दी है मुझे आजादी हासिल करने की। नहीं बेगम ऐसी बात नहीं है, बस बहुत एहसास कमतरी का शिकार रहता हूँ। सारे दोस्त मेरे रडवे हो गए सिवाय मेरे गुलाम। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मी जी अभी किसी का फोन आया था, वो कह रहा था अगर मम्मी जी तकरीर करने गई और अगर दस्तबरदार ना हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा अगर आप फोन आए ना तो कह देना कि मैं ऐसी गीदड़ भभकियों से नहीं डरती। अरे मैं आवाम की खिदमत के लिए काउंसलर बनने जा रही हूँ, बन के रहूंगी देख लेना। हाँ ये हो क्या रहा है, ऐसे लग रहे मामा काउंसलर नहीं बल्कि अमेरिका की सदर बन रही हूँ, इतनी धमकियां तौबा। अरे हनी बेटा तुम्हारी माँ तो है ही इतनी हिम्मत वाली, बड़े से बड़े दुश्मन भी ना थर थर कांपते हैं मुझसे। बस आज की तकरीर हो जाने दो और तुम देखना आज जब मैं तकरीर करूंगी ना तो दुनिया देखेगी दुनिया। हाँ अरे वाह बेगम वाह, इसी बात ने मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है जल्दी से पिला दीजिए फिर मुझे जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी आती हूँ, मतलब मैं जाती हूँ। ठीक है लड्डू ये लो फाइल और मेरा ना तकरीर वाला पर्चा बाहर पड़ा हुआ है वो लगा दो जल्दी से, इसमें जाना है फिर मुझे। ऊपर लगा दूं? हाँ जल्दी करो जल्दी। अरे कहाँ गया पर्चा? तो, ये जी की तकरीर। जी हाँ जी हाँ जी फरहाद साहब, बस मैं घर से निकल ही रही हूँ समझे, पहुंची बस। जी ठीक है। अच्छा जी तकरीर का पर्चा रख दिया? मम्मी जी सबसे ऊपर लगा दिया। बस ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ। मामा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मम्मी जी वो कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक। हाँ थैंक यू बस दुआ करना है। हाँ। मैं दी दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। कहाँ बगैर चाय पी चली गई? हाँ वो फरहाद का फोन आया था, आपकी शीरी उल्टी भी चली गई। तमीज से और तमीज से, अब उनके जाने का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? आहा यार लड्डू मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर काउंसलर बन गई तानी बेगम ना तो फिर मैं तुझे अपना ड्राइवर रखूंगा। डिंग, ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है सुसर जी। अबे पुलाव पे याद आया, मैंने आज अचार गोश्त और कंधारी पुलाव की तरकीब लिखी थी, आज सोच रहा हूँ दोनों ही बना लूँ यार। कंधारी पुलाव? हाँ नाम से तो लगता है इसमें कोई बारूद शारूद डलता है। अबे नहीं बारूद वारूद नहीं भाई, मैंने लिखी है देख मैं तुझे सुनाता हूँ पढ़ के। अबे मैंने अरे यार खवातीन और हजरात मैं आप लोगों की खादिम हूँ, ये इलाका मेरा और आपका नहीं बल्कि हमारा है, मुझे वोट देकर जब अबे भाई ये तो तकरीर लगती है यार। ससुर जी यकीनन ये तकरीर है। अबे तो मैंने तो यहाँ खाना पकाने की तरकीब लिखी थी यार और यहीं से उठाई थी ये मैंने, और मैंने मम्मी जी की तकरीर भी यहीं से उठा के फाइल में लगाई थी। अगर तकरीर यहाँ है तो वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मोहल्लेदारों, सबसे पहले ऐसा करें के प्याज लाल कर ले और अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह। गुलाम लड्डू मैं कुछ खोज रहा हूँ भाई, जमीन से तेल निकले ना निकले गाड़ी से तेल जरूर निकल आएगा। आपके घर के बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई और ये चमचम मुझे घर के अंदर ले आया। चमचम नहीं लड्डू फवाद आलम, और ये मुफ्त में तो मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं टिकट लगा देते। अरे कौन? अरे भाई पहचाना नहीं मुझे, बस जल्दी से भाग कर एक मैकेनिक पकड़ लें। भाई ये मैकेनिक मंगा रहा है दूध पत्ती चाय। आप मेरे साथ कॉफी पे चलेंगी? मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।